और इस बीच एक और बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटे की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। माफिया अतीक का बेटा अली हुआ 50,000 का इनामी। इनाम की राशि को 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। गिरफ्तारी नहीं होने पर बढ़ाई गई इनाम की राशि प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का आरोप था। तो अतीक अहमद के भगोड़े बेटे पर अब 50,000 का इनाम घोषित किया गया। तो 5 करोड़ की रंगदारी का यह पूरा मामला सामने आया था। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे उत्तर प्रदेश में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने अतीक के फरार चल रहे बेटे अली पर इनाम राशि 25,000 से बढ़ाकर के 50,000 कर दी है। अली पर प्रॉपर्टी डीलर से 50 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था। इस पर अधिक जानकारी के साथ संदीप तिवारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो अतीक अहमद के बेटे यानी कि अली पर जो इनाम राशि को बढ़ा दिया गया, जो 25,000 की इनाम राशि थी अब उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है, अभी तक क्या पुलिस को किसी भी तरीके की जानकारी मिल पाई है और आगे क्या कुछ पुलिस का प्लान रहने वाला है ताकि अली की गिरफ्तारी हो सके? देखिए, पुलिस की टीम जो है, जो क्राइम ब्रांच की टीम और करेली थाना पुलिस जो है वो लगातार अली के लिए दबिश डाल रही है, अली की तलाश कर रही है, लेकिन अली अभी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसी को देखते हुए